मेरा नाम है वंश, आप देखिए चैनल वंश चावला। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो जाएगा एक नया कंटेंट, एक नई वीडियो के साथ आप ही के अपने चैनल वंश चावला के ऊपर। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा, आज हमारे पास अनबॉक्सिंग DJI Osmo 4 की। हाँ दोस्तों, DJI Osmo 4 हमारे पास आ चुका है। आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, दिखाऊंगा और बताऊंगा इसके बारे में सब कुछ। इस वीडियो में सिर्फ अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, एक बेसिक वीडियो और बना लेंगे जिसमें आपको इसमें डिटेल रिव्यू दूंगा कैसा है ये Osmo, कैसा है इसका एक्सपीरियंस, और चेक करेंगे पूरा। और यार दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, जाकर के वीडियो जरूर देखना, मजेदार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, टाइम नहीं करता हूं वेस्ट, और बढ़ते हमारी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो चलिए, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा DJI का Osmo 4 आ चुका है हमारे पास। देख सकते हैं कितनी प्रीमियम लुकिंग है इस बॉक्स के ऊपर की ओर, पूरा एक ट्रांसपेरेंट रैप चला, और फ्रंट में आप देख सकते हैं DJI Osmo 4, और ऊपर ब्रांडिंग भी दी गई है DJI Osmo 4 स्मार्टफोन स्टेबलाइजर है। साइड में DJI का ब्रांडिंग, यहाँ पर कुछ नहीं और थोड़े फीचर दिए गए इन दी बॉक्स में क्या क्या है। फोन क्लैंप होल्डर, स्टोरेज पाउच, पावर केबल, ग्रिप ट्राइपॉड, मैग्नेटिक रिंग होल्डर, रिस्ट स्ट्रैप, एंड जो हमेशा हर एक बॉक्स में मिलता है, मैनुअल और डॉक्यूमेंटेशन। ऊपर की और कुछ नहीं, और बैक साइड पे देख सकते हैं दोस्तों, क्रिएट मैग्नेटिक मूवमेंट्स और कुछ पिक्चर दिए गई है कैसे इसको एक तरह का कनेक्ट करना है, कैसे आप शूट कर सकते हैं, कैसे है इसके जेस्चर वगैरह, वो भी चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक क्विक माउंट, फोल्डेबल पोर्टेबल, एक्टिव ट्रैक 3.0 के साथ, 3.0 के साथ मतलब कि क्विक रोल मिल जाता है, गेस्चर कंट्रोल मिल सकता है, पाम कंट्रोल मिल जाएगा, स्टोरी मोड है इसके अंदर नीचे के, और वी आर हेयर फॉर यू, बाकी TGS स्पोर्ट की, और यहाँ पर गेट ऑन गूगल डाउनलोड ऐप स्टोर, मतलब कि DJI मीमो ऐप, हमें एक ऐप डाउनलोड करने पड़ेगी इसके लिए। बैक साइड पे इसकी आपको MRP भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों MRP दी गई है 14,990, मतलब कि लगभग 15,000 रुपये का ये है DJI Osmo 4। बट हमें इस प्राइस में जो मिला है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो प्लीज़ देखते रहिए वीडियो मेरे साथ। और ये रहा हमारा शातूनी कटर, तो करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और बताऊंगा इसके बारे में सब कुछ क्या क्या है इसके अंदर। तो 1, 2, 3 एंड स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसकी करने कटिंग, और सबसे पहले इसके ऊपर के रैपर को यहां से चीर फाड़ कर देते हैं, और ये देखते हैं घुस गया इसके अंदर हमारा कटर, शातूनी कटर, और फाड़ दिया इसका हमने रैपर। टन टन, आज हम फटाफट चीर फाड़ वाली अनबॉक्सिंग करेंगे। ये है इसका रैपर, उसके ऊपर वही MRP वाला टैग तो हटा देते हैं नीचे की ओर, वही DJI के रिफ्रेश रैपर के बाद प्रीमियम लुक लग रही है यार बॉक्स की तो मज़ेदार। और यहाँ से कहाँ से खुलेगा ये बॉक्स हम देख लेते हैं अभी। तो यार बॉक्स खुलेगा यहाँ से, अब हमारी सील दोस्तों ये कर रहा हूँ आप ही के सामने ब्रेक, 1, 2, 3 एंड धड़ाक, तो सील कर दी ओपन, खुल गया बॉक्स, और दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों क्योंकि आपके लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट खुलने जा रहा है। 1, 2, 3 टन टन ना ना ना। और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्लैंप के बारे में लगाया गया, सब इंस्ट्रक्शन दिए गए कैसे कैसे सब करना है DJI मीमो का आपका, और यहाँ पर लिखा है क्रिएट मैग्नेटिक मोमेंट्स। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्रिएट मैग्नेटिक मोमेंट लिखा गया है, इसका पहले ये उतारते हैं क्या है इसके अंदर। यहाँ पर यार बहुत ही बढ़िया लुक और पैकेजिंग की गई है इसके अंदर, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। ओह माय गॉड, सबसे पहले हमें यहाँ पर मिल जाता है DJI Osmo का ये पाउच, और यहाँ पर निकलता है एक रिस्ट बैंड बहुत ही मजबूत क्वालिटी का। यहाँ पर DJI की ब्रांडिंग दी गई है, देख सकते हैं दोस्तों DJI की ब्रांडिंग, और यहाँ रख देते हैं इसको साइड पे। ये है Osmo का DJI पाउच कैरी केस, जिसके अंदर आप कैरी कर सकते हैं अपना DJI Osmo, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के अंदर दिया गया है, और DJI ब्रांड है तो कोई शक तो कर ही नहीं सकते हम।
और ये है हमारा अलाइनमेंट गाइड जो कि रिंग होल्डर आपको लगाने के लिए दिया गया है यहाँ पर। और इसके अंदर क्या है निकाल के देख लेते हैं इसके अंदर से और क्या निकल आता है। शायद ये नहीं निकलता और इसके अंदर निकल गया। ओहो बाहर पहले देखा अनबॉक्सिंग के इस तरफ से भी ये कितना उतावला हुआ पड़ा है, खुद ही बाहर आ रहा है यार, क्या बात है। और द फ्यूचर ऑफ पॉसिबल रख देते साइड में, अंदर के देख लेते हैं क्या निकलता है इसके अंदर। ये भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन और ये क्या है, ये ना दोस्तों स्टिकर्स हैं और एक लेवरल है, बाकी देखते हैं क्या है इसके अंदर। कुछ नहीं है दोस्तों और देख सकते हैं डब्बा खाली। और गाइड तो गाइड मैं कह रहा हूँ क्या ही बात है, क्विक स्टार्ट गाइड देखो पन्ने खोलते पढ़ते रह जाएंगे पर ये बुक नहीं खत्म होगी, और क्योंकि ये है फालतू काम हमारे लिए फैन दोस्त साइड पे। और ये है हमारा मेन कंटेंट, इसे भी रख देते हैं अभी के लिए साइड पे। तो दोस्तों हमारा मेन कंटेंट है ये DJI Osmo, देख रहे हैं ना क्या अमेजिंग पैकेजिंग में है। ये है सबसे पहले इसका ट्राइपॉड, ओह माय गुडनेस दोस्तों, एक प्रीमियम क्वालिटी का जब ट्राइपॉड आप पकड़ते हो और फील करते हो ना, पकड़ने में जो फीलिंग है वो आपको वीडियो में मैं बता ही नहीं सकता, क्या ही बोलूं इसके बारे में। एक अमेजिंग ट्राइपॉड है, बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक ट्राइपॉड है, जैसे आप एडजस्ट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। तो DJI की ब्रांडिंग तीनों लेग्स पे दी गई है, DJI और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, इसे भी रख देते हैं साइड पर। इस कंपार्टमेंट में और क्या है, एक USB A to Type-C केबल देख सकते हैं, टाइप सी केबल से चार्ज होगा DJI Osmo मजेदार। एक जेल सिलिका जेल, ये यार जहर एक तरह का क्या ही करना है। और ये है, ये ना दोस्तों एक वो है मैग्नेटिक, मतलब आपका अगर फोन जो है ना लेवल अप नहीं हो रहा है, कोई वेट ज्यादा है फोन का उसको लेवल करने के लिए होता है, तो एक तरह का लेवलर है ये। और ये है आपका फोन होल्डर पूरा मेटेलिक लुक में बनाया, जो कि DJI Osmo 3 था उसमें प्लास्टिक था, तो ये इन्होंने क्लैंप जो दिया ये है मैग्नेटिक गिम्बल। तो बॉक्स में और दोस्तों कुछ नहीं है, बॉक्स को क्यों करना है बीच में ऐड, तो रख देते हैं इसको साइड और आ जाते हैं हमारे मेन गिम्बल की ओर। सारे इक्विपमेंट आते हैं, एक ट्राइपॉड, USB Type-C केबल, फोन लेवलर, और ये है हमारा क्लैंप, एक अलाइनमेंट स्टिकर विद रिंग एंड कुछ स्टिकर्स, और हमारा एक ये हो गया DJI Osmo का पाउच, और एक हमारे को मिला था रिस्ट बैंड वो रहा ये। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आइटम्स, और इसको मिला के हो गई 10, पूरी 10 आइटम्स मिलती हैं, पूरी आउट ऑफ 10 आइटम्स मिल रही है DJI Osmo में, तो मज़ेदार है। अब हम इन सब चीज़ों को उठा करके रख देते हैं साइड में, क्योंकि अभी हम आ जाते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के ऊपर जो है हमारा DJI Osmo गिम्बल। तो दोस्तों यार जो पकड़ के फील आ रही है, हाँ 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 मैं बता नहीं सकता, मज़ेदार फीलिंग है, क्या ही बताऊँ इसके बारे में। ऊपर की ओर DJI Osmo 4 लिखा गया, बाकी ब्रांडिंग दी गई है पेपर वर्क जापानी लैंग्वेज में, और इसे ऐसे करते हैं ऑन। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी प्रीमियम लुक किया, और पहली बार पावर ऑन करने जा रहा हूँ 1, 2, 3, और ये M बटन को हम होल्ड करते हैं और ये होगी पावर ऑन। गलती जल गई ग्रीन, इसको हमें खोलना पड़ेगा, तो और ये सेटअप हो गया, मतलब कि इसके ऊपर लगाएंगे तो ये सेटअप हो जाएगा ना। तो पहले हम इस पर ट्राइपॉड लगाते हैं, एक बार चेक करते हैं ट्राइपॉड लगा करके, और ये इसके नीचे ट्राइपॉड लगाते हैं। तो ये रहा दोस्तों ट्राइपॉड हमारा लग गया, ट्राइपॉड के ऊपर इसे हम रख देते हैं, हम फिर से ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं वाइब्रेशन हुई, ये घूमा, और अब हम इस पे फोन अटैच करते हैं दोस्तों, कहाँ पर है क्लैंप, 1, 2 and 3, ओ माय 3 से पहले इसने जगड़ लिया, बहुत ही मजबूत था यार दोस्तों, मजेदार। 1
वो देखा आवाज कैसे है, क्लिक करने के बिल्कुल पास जाते ही ना, जैसे ये यहाँ से यहाँ मिलानी है। ओहो मैं कह रहा हूँ मजेदार, देख सकते हैं वाइब्रेशन कैसे हो रही है। और यहाँ की यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप जूम इन आउट मतलब कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रिगर दिया गया है। यहाँ की ओर आपको एक यूएसबी कंपार्टमेंट मिल जाता है जिससे आप कर सकते हैं अपने फोन को कभी भी चार्ज, जब से बैटरी स्लो हो जाती है आपके फोन की। यहाँ पर लिखा गया ओसमो, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कुछ भी नहीं, ये है पीछे की ओर ट्रिगर। और अब हम इसके ऊपर अपना फोन लगाऊंगा मैं और आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि कैसे ये करता है वर्क सारा। तो पहले मैं इसको उतार देता हूं और अपने लगा लेते हैं फोन के ऊपर। यहाँ पर कैमरे की डायरेक्शन इस साइड होनी चाहिए, वो आप देख करके लगाना अगर आप इसे बाय करते हो। और 1 2 एंड इसको कैसे लगाएं, मैं तो यार पूरा देख करके लगा रहा हूँ कि मैच करके लगाऊं। ओहो तो यहाँ पर डबल, और ये देखा ये है हमारा वर्टिकल मोड। और इसे हम ऐसे ऐसे जैसे भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करने पे ये देख सकते हैं दोस्तों हो गया, ये अपनी पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल देख सकते हैं कितनी आसानी से जा रहा है। अब इसमें एक ट्रिगर दबाने से ये हो गया पोजीशन पे होल्ड, मैं इसे कहीं भी ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। ओ हॉरिजॉन्टल कंडीशन में पहले वर्टिकल था, अब आप कैसे भी इसको शूट कर सकते हो। ट्रिगर को लॉक कर लोगे तो लॉक हो जाएगा आपका, इसको जैसे मर्जी करो ये लॉक हो जाएगा। और इसको ऐसे मजबूती से आप पकड़ के इसको ऐसे कर सकते हो, लॉक कर दिया मैंने इसको और ये देख सकते हैं। तो यार प्रोडक्ट तो बहुत ही अमेजिंग है, बाकी आप इसका कंट्रोलर चेक कर सकते हैं। ये देखिए जैसे नीचे जाने के लिए ऐसे ऊपर ला रहा हूं मैं, इधर घुमा दो लेफ्ट राइट, देख सकते हैं दोस्तों पैन मोड कैसे मजेदार। बाकी इसकी एक बार DJI Osmo ऐप डाउनलोड करते हैं और एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हो जाता हूं। देख सकते हैं दोस्तों एक बार फिर से हम ऑन करने जा रहा हूं आप ही के सामने, और ये आ गया वर्टिकल पोजीशन, ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन। और अभी यहाँ पर इसकी मीमो ऐप हमारे पास आ चुकी है, देख सकते हैं इसके अंदर अगर आप शूटिंग करते हुए देख रहे होंगे मेरे को कि मैं इस टाइम इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर दिया। यहाँ पर अगर मैं इसको दबाऊँगा तो यहाँ पर यार दोस्तों इसी से हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप FPS वगैरह 4K तक शूट कर सकते हो, टाइम लैप्स ले सकते हो, यूज द ट्राइपॉड फॉर बेटर शूटिंग रिजल्ट। टाइम लैप्स पे आपको ट्राइपॉड पे लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ वो कह रहा है कनेक्शन करने के लिए, और यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ हो गया कनेक्टेड। यहाँ पर फ्रंट वगैरह सब कुछ डिटेल दे रहा है अब हमें। तो यहाँ पर दोस्तों सारे इफेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कस्टम पे ऑटो कर दो। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रैक करने के लिए बोल रहा है वो, किस चीज़ को आप एग्जैक्ट को ट्रैक करना चाहते हो। मैं जैसे कि इसको ट्रैक करना चाहता हूँ, अब ये देखिए आप मैं इसको हिला रहा हूँ, ये जैसे कि वो वहाँ पर जा रहा है देख सकते हैं, जैसे ही वो मेरे उससे बाहर हो गया ट्रैक से। तो ट्रैक से न्यू फर्मवेयर इसमें अपडेट भी आई हुई है दोस्तों, मैं करूँगा अभी इसको अपडेट। जैसे कि अब इसमें इसको पकड़ लिया, तो जैसे ही मैं इसको घुमाऊँगा ये साथ साथ में ही घूमेगा। देख रहे हैं ना दोस्तों क्या बढ़िया, मतलब एक ऑटो ट्रैक कर रहा है अब इसको, देख सकते हैं कितनी फास्ट इधर उधर इधर आपको साथ। अब हम इसे रख देते हैं साइड पे, ये है हमारा प्यारा सा डोरेमोन, इसको भी करते हैं एक बार ट्रैक। देख सकते हैं मेरे हैंड का गेस्चर उसने वो कर लिया है और यहाँ पर आउट ऑफ फोकस हो गया वो,
तो इसमें आपको फोकस का थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ सकता है। देख सकते हैं, आ आ ऊपर 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 नीचे 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 ऊपर, और कहाँ गया। तो 260 टू 280 डिग्री ये ज़्यादातर रोटेट कर सकते हैं दोस्तों, बाकी ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ये रोटेट 360 नहीं है, बाकी 3 एक्सिस तो है ही ये हमारा, बाकी ये देख सकते हैं इसकी ऐप में इसकी क्लैरिटी आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से आ रही है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ DJI Osmo 4 का एक सिनेमैटिक छोटा सा शॉट, देखिए और मजा लीजिए कैसा है गिम्बल। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये अनबॉक्सिंग DJI Osmo 4 की? बहुत ही बढ़िया गिम्बल है ये यार, अमेजिंग एक गिम्बल है DJI Osmo 4। और अगर लगी हो वीडियो में कुछ खास लगा हो, ये वीडियो मजेदार लगी हो, ये गिम्बल कुछ खास है, तो प्लीज जाके कर दो ना वीडियो को लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब अगर आप एक नए लिस्टर हो मेरे चैनल पे तो, क्योंकि आने वाली ग्रेट वीडियोस को, अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए आपको बेल आइकन भी दबाना जरूरी है, तो उसको जरूर दबा देना वहां पर जाकर के। तो इसी तरह मेरी मेरी वीडियोस को लाता रहूंगा आप ही के लिए इसी चैनल के ऊपर, नई अनबॉक्सिंग नई वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे फिर से एक बार इस चैनल के ऊपर। आपके लिए दोस्तों इतना ही, अलविदा, जय हिंद, कोरोना से बचे, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय। 1 2 3 कम ऑन।